तो चोरी की है बकायदा। अगर आप किसी का प्रॉपर्टी आप जबरन जब्त कर लेते हैं और अपने पास रखते हैं और वापस नहीं देते, तो उसमें तो कानून के तहत तो चोरी ही हुआ। क्या फरहान क्या मांगे रहेंगे आप लोग की, किस तरह से आप लोग इसको आगे? सबसे पहली मांग हमारी मौसमी क्लियर कट है कि एक तो FIR हो। कल से अब तक 24 घंटे गुजर गए, FIR नहीं हो रही है। सोचिए आप, सोचिए, अगर पत्रकारों के साथ ये आलम है इस भारत में, दिल्ली में, देश की राजधानी में, तो बाकी जगह क्या होगा? देखिए, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, इनके छोटे छोटे गुड वर्क के लिए इसी पुलिस हेडक्वार्टर में हमको हाथ जोड़ जोड़ कर बुलाते हैं। आज हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, शर्म करें, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। आज जिस तरह से सबसे बड़ी बात यह है, मैं तीन चीजें बताऊंगा लास्ट की। इससे पहले होली वाले दिन ही एक रात के अंदर एक पत्रकार था जिसके बहुत बुरी तरीके से मारा गया। पुलिस ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि वो पत्रकार था। पहला सवाल, पहला मैं इससे पूछा जाऊंगा कि पत्रकार हो या कोई भी इंसान हो, क्या आपका ये एक इंसानियत नहीं दिखती? आपको इतनी बुरी तरीके से उसके मारेंगे, कानों के खून निकलेंगे? हम ऐसा नहीं कह सकते। महिला पत्रकार कलम होता है, ये है हमारा हथियार। हमारे पास चाकू, छुरा, तलवार, बंदूक नहीं है। हमारा हथियार कानून व्यवस्था का बहाना करके कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे, इसीलिए उन्होंने पत्रकारों की पिटाई की। और ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा कवर अप है। और ये कहना कि हमें भाई पता नहीं था कि कौन पत्रकार है, कौन प्रदर्शनकारी है, ये अगर दिल्ली पुलिस को नहीं पता, तब तो उन्हें अपनी जो है ड्यूटी में तो उनको रिजाइन कर देना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह से महिला पत्रकारों को